क्षेत्र के प्लस टू उच्च विद्यालय पिंडारुच में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें विद्यालय के बच्चों को अलग अलग समूहों में बांटकर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने रंगोली बनाकर अपनी कलाओं का शानदार प्रदर्शन किया। इसमें इसे लेकर आए तक कुल 9 समूह बनाया गया था। सभी समूहों के बच्चों ने अपना अपना हुनर दिखाया। इस प्रतियोगिता में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं सहित सभी छात्र छात्राओं के बीच हर्ष का माहौल देखने को मिला। ललित कला की शिक्षिका विनीता कुमारी सहित रानी प्रणीता, शिक्षक अभिषेक नंदन, मुकेश कुमार आदि इसे सफल बनाने में काफी सक्रिय नजर आए। बच्चों ने मोर, अर्पणा एवं जलते हुए दीप सहित अन्य रंगोली को दर्शाते हुए अपना कला दिखाया। विद्यालय परिवार की ओर से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी खुशी जाहिर की। प्रथम स्थान पर ई ग्रुप से छात्राओं का कब्जा रहा, वहीं दूसरा स्थान बी और जी ग्रुप को मिला। ग्रुप ए और ग्रुप एफ को तीसरा स्थान मिला। सोनाली कुमारी, पाकिजा खान, अवनतिका, श्वेता, अंजलि, नीतीश कुमार, केशव झा आदि छात्र छात्राओं ने इसमें सफलता प्राप्त की। सफल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को उचित पुरस्कार देकर किया गया सम्मानित। 10, 11, 12 सारे बच्चे मिलकर रंगोली कंपटीशन कर रहे हैं। ए से लेके आई तक ग्रुप है, हर ग्रुप में चार चार बच्चे चारों क्लास के। बॉयज भी रंगोली बना रहा है और बहुत ही उत्साहित से बना रहा है। और सारे टीचर, खुशी की बात ये है, जो भी टीचर हमारे देख रहे हैं रंगोली को, बच्चे जो बना है, वो खुद टीचर कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बच्चों को चॉकलेट, हमारी तरफ से बच्चों को चॉकलेट। तो बच्चों को भी खुशी हो रही है और टीचर भी बहुत खुश हैं। आज आपके विद्यालय में विद्यालय परिवार की ओर से रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इसमें आप शामिल हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल में मतलब बहुत कुछ बदलाव हो रहा है और ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और ये कंपटीशन मैम लोगों ने मतलब रखा है हम लोगों के लिए और हम लोग को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें प्राइज़ का मतलब एक कंपटीशन की तरह हुआ ये, और इसमें हम लोग को प्राइज़ भी मिलेगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है इसके सब देख के। आज विशेष आपके विद्यालय में खास कार्यक्रम रखा गया है, रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इससे बच्चों का ऑनलाइन डेवलपमेंट होता है और ये ज़रूरी भी है, प्रतिभा निखारने का एक प्रयास है, जिससे हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि लोग बच्चों के बीच में कुछ जागरूकता है और तो अपने आप को और विकसित कर सके। मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है और मतलब हम क्या आपको शब्द नहीं है, क्या खुशी मिल रही है ये सब मेरे पास कहने के लिए है ही नहीं। काफ़ी बच्चे को देख के खुशी मिली, सब जो है सो कितना अच्छा, सब टैलेंटेड है, सब टैलेंट को छुपा के रखी हुई उसको अब आगे ला रही है, इस बात से हमें खुशी हो रही है।